For this clay, I'm using talcum powder. It's a talc, you can see. ये जो हम बॉडी पे लगाते हैं, हम वो पाउडर यूज करेंगे इसमें. और इक्वल अमाउंट में मैदा एंड टैल्कम पाउडर. मैं बहुत कम उसमें बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है. ये मल्टीपर्पज क्ले है, तो मैंने लिया है 1 स्पून मैदा, रिफाइंड व्हीट फ्लोर एंड 1 स्पून पाउडर, एनी पाउडर. Now add some vinegar. It's 2.5 ml, more than enough. I think few more drops. Yeah. तो अब इसमें मैंने क्या किया, मैदा ऐड किया है और पाउडर यूज़ किया है मैंने. आप कोई भी बेबी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं. और 1 स्पून फेविकॉल और वुड ग्लू. थोड़ा सा कम लिया है मैंने, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में और ऐड करेंगे, क्योंकि कई बार व्हीट, ये रिफाइंड व्हीट फ्लोर यानी कि मैदा हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा कई बार गड़बड़ हो जाती है, कभी कम लगता है कभी ज़्यादा लगता है, वेदर और ग्रेन सब मैटर करते हैं. तो ये इतना अच्छा क्ले बनता है इसका, मैं इसे यूज़ करती हूँ. और सबसे अच्छी बात है इसमें कलर बहुत अच्छे से मिक्स होते हैं, अगर आपको कलर यूज़ करने हैं इसमें, कलर कुछ बनाना है तो. इसको इस तरह से पूछेंगे, पूरा निकल जाता है, वरना उंगली ख़राब होगी. फिर से एक बार इसमें भर लें, घुमा दें इस तरह से और निकाल दें इसे. एक बात याद रखनी है, डोंट मिक्स वाटर, ओनली फेविकॉल और वुड ग्लू, और यू कैन से पीवीए ग्लू. अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे. मिक्सिंग में कोई कंजूसी ना करें आप, क्योंकि जितना आप मिक्स करेंगे उतना फ्लफी बनेगा. तो मिक्स इट वेल. अभी हम इसमें फेविकॉल ऐड नहीं करेंगे जब तक कि पूरा पाउडर मिक्स ना हो जाए इसके साथ में. ये जो अलग ये दिखाई दे रहा है ना, इसको हमको सबको पहले मिक्स करना है और उसके बाद में कुछ और डालेंगे, देखते हैं. तो इसे मैं मिक्स कर रही हूँ. अब मिक्स इसको ज़रूर अच्छी तरह करें, वरना ये बहुत पतला हो जाएगा अगर आपने और फेविकॉल डाला तो. पहले इसको जितना अलग है आटा, मैदा और पाउडर, उसको हम ये गांठों में बंध जाना चाहिए जिस तरह से ये दिख रहा है. उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि आपको और फेविकॉल डालना है या नहीं. तो पहले इसे अच्छे से बांध लेंगे. अभी इसमें पाउडर मुझे अलग दिख रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये पाउडर. तो अभी मैं इसको तब तक इसी तरह से बिना फेविकॉल डाले मिक्स करूंगी जब तक कि पूरी गांठें ना बंध जाए.
इस तरह से धीरे धीरे ये बनना स्टार्ट हो रहा है। मुझे उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे कैमरा में। अब ये थोड़ा सा पाउडर और है इसमें, मैं इसको पूरी तरह से बाइंड कर लूंगी। जब तक ये पाउडर मुझे दिखना बंद नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसको इसी तरह से मिक्स करते रहूंगी। अभी मैंने इसमें फेविकोल नहीं डाला है उतना ही, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि मैंने इसमें क्या डाल कितना कितनी क्वांटिटी डाली है अगर आपने मिस कर दिया हो तो। मैंने इसमें 1 स्पून मैदा डाला है जैसे जो कि रिफाइंड व्हीट फ्लावर होता है, और उतना ही अमाउंट में मैंने इसमें 1 स्पून पाउडर डाला है मैंने, और 1 ही चम्मच मैंने इसमें फेविकोल मिक्स किया है। थोड़ा सा कम था, वो पूरा फुल चम्मच नहीं था, फुल स्पून नहीं था फेविकोल, मैंने थोड़ा सा कम रखा है। तो अब आप देख रहे हैं ये आपको ड्राई लग रहा होगा, देखने में ये बिल्कुल पाउडर, दोनों पाउडर इसमें मिक्स अच्छे से हो चुके हैं। अब हमें हाथ से करना पड़ेगा, और मैं पहले आपको करके दिखा दूं। ये आपको ड्राई दिख रहा है पर जब आप इसको मैश करेंगे, मिक्स करेंगे और रब करेंगे इस तरह से, तो ये स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगा। ये स्मूथ हो गया है अभी, लेकिन इसको बहुत रगड़ना है जब जाके ये अभी टूट रहा है। अभी आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा, तो अभी तो इसको मिक्स करना है, तो काफी मिक्स करना पड़ेगा। पर इसमें एक चीज करनी है हमें, एक चीज और बता दूं मैं, जब आप इसको बना के रखेंगे इसको क्ले को, और जब दोबारा यूज करेंगे सेकेंड डे थर्ड डे और कभी भी, आप इसको 15-20 दिन 1 महीना रख सकते हैं बना के, और ज्यादा भी रख सकते हैं, मेरा तो जल्दी खत्म हो जाता है, पर आप इसको देख लें, ट्राई करें। मेरा सजेशन यही है कि आप इसको पहले, जब भी कोई आप नई चीज बनाते हैं तो आप उसे छोटी सी क्वांटिटी में बनाएं, बहुत कम बनाएं, क्योंकि कई बार कुछ मटेरियल गड़बड़ हो जाते हैं या कुछ क्वालिटी में कुछ गड़बड़ होती है तो हो सकता है खराब हो जाए, पर होता नहीं है, बट नई चीज है। मेरा सजेशन तो यही होगा कि आप कम मात्रा में इसको बनाएं, कम क्वांटिटी में बना के इसको पहले ट्राई करें, उसके बाद में आप इसको ज्यादा बनाएं अगर आपको ये अच्छा लगता है तो। ये मुझे तो बहुत पसंद है, इसमें कलर क्योंकि बहुत अच्छे से मिक्स होते हैं। अब ये मैंने मिक्स कर लिया है इसको, कहीं भी पाउडर नजर नहीं आ रहा है इसमें। अब क्या कर रहा है नेक्स्ट स्टेप जो है, अब इसमें मैं कुछ कुकिंग ऑयल लेके हाथ पे थोड़ा सा रब करूंगी, और फिर इसको हाथ में उठा के हाथों से रब करूंगी मैं। तो ये मेरा हर एक क्राफ्ट वर्क में आप ये बॉटल देखते होंगे, सीमेंट लगा हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि मेरे हाथ गंदे होते हैं। तो अब कितना ऑयल लेना है आपको नापना नहीं है, बस बॉटल लगानी है हाथ पे और ऐसे कर देना है, ये जितना आया है उतना काफी है। अगर आपको लगता है कि ये और लेना है तो एक बार और ले लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उंगलियों पे इस तरह से रब कर ले इसको, और अब इसको इस तरह से बांध लें, इस तरह से ये सारा इसमें चिपक गया एक दूसरे के साथ में, और अब हम इसे करेंगे रब। मैंने एक बार पहले, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपने जरूर देखा होगा, चॉक पाउडर क्ले मैंने बनाया था, तो मैं पहले भी और क्ले बनाए हैं मैंने, उसमें सब में एक ही बात बोली है मैंने, उसमें क्या है कई बार मिस्टेक हो जाती है बोलने में, तो क्योंकि वीडियो है
हर जगह देखा जाता है, खाली इंडिया में ही तो नहीं देखते, तो कुछ चीजें समझने की होती हैं। ये जो मैदा होती है ये व्हीट फ्लावर है, रिफाइंड व्हीट फ्लावर। ये गेहूं से ही बनता है, आटा भी इसी से बनता है, मैदा भी इसी से बनता है। आटे में क्या होता है, फाइबर होता है, और मैदा में फाइबर बिल्कुल नहीं होता है। जो अंदर गेहूं का, जो व्हीट का अंदर वाला जो पोर्शन होता है, ऊपर का ब्राउन पोर्शन हटा के 100% फिर ये मैदा बनती है। तो ये इसको हम रिफाइंड व्हीट फ्लावर भी बोलते हैं। और मल्टीपर्पज़ फ्लावर वो डिफरेंट होता है, मल्टीपर्पज़ फ्लावर और इस मैदा में या रिफाइंड व्हीट फ्लावर में फ़र्क है। आप इसको जाने समझें थोड़ा। तो लोगों को बड़ी शिकायतें थी, इसलिए मैं बता रही हूँ, और जो नए व्यूअर्स हैं उनको भी मैं बताना चाहती हूँ। अगर आप वो देखना चाहेंगे उस वीडियो को, तो आप, मैं लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने पाउडर की जगह, आप बताएंगे क्या यूज़ किया था? अगर हाँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने व्हीट फ्लावर यानी कि मैदा, रिफाइंड व्हीट फ्लावर के साथ में क्या मिक्स किया था मैंने। सिंपल सा है आंसर तो वैसे। अब ये मैंने रब कर लिया, अब मैं इसको रब करूंगी काफी। अब मैं थोड़ा सा ऑयल मुझे और चाहिए, कितना इस तरह से। और ये जो कमेंट में किसी ने, मेरे व्यूअर्स ने पूछा था कि ये कौन सा ऑयल यूज करती हैं आप तो मैं आपको बता दूं, ये रिफाइंड ऑयल है, कुकिंग ऑयल। और रिफाइंड ऑयल मैं दोबारा रीयूज नहीं करती, तो एक बार फ्राइंग की मैंने, तो अगर थोड़ा बहुत बचता है तो मैं ऐसे बॉटल में भर के रख देती हूँ और अपनी क्ले में यूज करती हूँ। मैं फ्रेश वाला यूज नहीं करती, क्योंकि ये वैसे भी फेंकना होता है। अगर आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज नहीं करते, तो ये कोल्ड प्रेस्ड नहीं था, वैसे मैं कोल्ड प्रेस्ड ही यूज करती हूँ, तो उसको आप रीयूज कर सकते हैं। तो ये तो थी इस ऑयल की स्टोरी, मुझे पूछा था मैंने इसलिए बताया। अब ये स्मूथ सा क्ले बनने जा रहा है, पर आप इसको रब जितना करेंगे ये उतना स्मूथ बनेगा, ये याद रखिए आप। पिछला जो मैंने चॉक पाउडर वाला क्ले बनाया था वो थोड़ा ऑफ वाइट था, तो उसपे कलर अच्छे से नहीं चढ़ते। अगर आप इस क्ले में आप कलर डालेंगे, इसमें अच्छे से चढ़ेगा, उस वाले में, क्योंकि वो ब्राउन सा थोड़ा ऑफ वाइट सा होता है कलर में, तो इसलिए वो नहीं चढ़ता, इसमें चढ़ेगा। मैं आपको अभी डाल के दिखाऊंगी, पहले थोड़ा इसको हम तैयार कर लेते हैं। तो ये मेरा क्ले रेडी है। अब इसमें एक बात जो आपको ध्यान करने वाली है, कि मैं बीच में बताना शायद भूल गई, इसको जब आप रख देंगे बना के, तो जब रीयूज करेंगे, आपको जब दोबारा कभी जरूरत पड़ेगी एक आध दो चार दिन में, तो ये हो सकता है आपको लगेगा कि ये थोड़ा ड्राई है, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना। बिल्कुल आपको इसकी ड्राइनेस दूर करने के लिए इसमें क्या मिक्स करना पड़ेगा, गेस? मैं बता देती हूँ, इसमें आपको फेविकॉल मिक्स करना पड़ेगा, थोड़ा सा, एक दो बूंद, इतने में, ज्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा इसको इस तरह से करेंगे यूं, और यहाँ पर फेविकोल लगा के और ऐसे बना, और बस फिर से रब कर लेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और आप इसको फिर यूज कर सकते हैं। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि शायद थोड़ा ड्राई हो जाए, वैसे होता नहीं है। आप इसको अच्छे से रैप करके रखेंगे एयर टाइट, पहले पॉलिथिन में फिर एक एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से आप रैप करेंगे इसको, तो ये चलेगा काफी टाइम। तो अब ये मैंने तैयार कर लिया, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, तो कमेंट जरूर करें। हाँ, मैं वीडियो बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए जब कुछ बनाती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरा मोटिव है सिर्फ मैं आपको जेन्युइन चीजें दूँ, जो मैं अपने लिए करती हूँ वो आपको सिखाऊं। तो मुझे उम्मीद है आप इस चीज को थोड़ा इग्नोर करेंगे कि मेरे वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी नहीं आते, तो आप इसे जरूर बनाएं और मुझे बताएं कैसा लगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल, दिस इज रजनी। टुडे आई एम मेकिंग अ मल्टीपर्पज क्ले।
इट्स वेरी सिंपल एंड इजी टू मेक। तो आज ये जो क्ले मैंने बनाया है, ये मैंने, जैसे आपने, अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने चॉक पाउडर क्ले और बहुत तरह के क्ले बनाए हैं, उनमें से उसी तरह से इजी और स्मूथ क्ले ये भी है। तो अभी आप आगे प्रोसेस देखेंगे कि मैंने कैसे बनाया है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कलर मिक्सिंग कितनी इजीली और बड़े अच्छे कलर आते हैं। चॉक पाउडर क्ले जो मैंने बनाया था उसमें कलर नहीं चलते थे, क्यों? आपको वो ड्राई होने के बाद में ही आपको कलर करने होते हैं उसमें, तो क्योंकि वो ब्राउन, लाइट ब्राउन और यू कैन से ऑफ वाइट कलर का था। तो इसमें कलर आप देखेंगे कितने अच्छे चढ़ते हैं। ये मैंने थोड़ा सा कलर ले लिया इसके अंदर और मैंने अंदर को इसे रोल कर दिया। एक्रेलिक कलर है और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं। फूड कलर क्योंकि मैंने इसमें मैदा यूज किया है, तो मैदा में फूड कलर बहुत अच्छे से चढ़ जाते हैं। आप तो जानते ही होंगे, कुकिंग वगैरह करते हैं, केक वगैरह बनाते हैं या और भी चीजें बनाते हैं, और जिस हिसाब से आपको कलर चाहिए आप उतना डाल लें, ज्यादा चाहिए थोड़ा और मिक्स कर लें, लाइट कलर रखना है तो। अब आप इसको बस रोल करते जाएंगे, और अगर आप ऐसे शेडी रखना चाहते हैं, कोई फ्लावर बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से भी बड़ा खूबसूरत लगता है। आप ट्राई करके जरूर देखिए। तो ये मैं अभी आपको दिखाने के लिए बस थोड़ा सा कलर इसमें दे रही हूँ। थोड़ा और लगा लेते हैं क्योंकि अभी इसमें नहीं आ पाया है, थोड़ा सा और अमाउंट में, फिर इसको अंदर रोल करके। शेड देख रहे हैं कितना प्यारा सा आ रहा है इसमें, फ्लावर्स वगैरह के लिए परफेक्ट है ये, लाइंस बड़ी खूबसूरत लगती हैं उसमें। आप जब तक मिक्स ना हो तब तक आप बस ऐसे ही रब करते रहिए, मिक्स हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा ऐसे ही रखना चाह रही हूँ, थोड़ा शेडी शेडी सा मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं आपको, ये मोल्ड के लिए बहुत अच्छा है, और आप इसको रोल करके लगाना चाह रहे हैं तो आप इसको रोल भी कर सकते हैं इजीली, और ये टूटेगा भी नहीं बीच में से। ये देखिए, ये स्ट्रेंथ अच्छी है इसकी, तो आप लिपन आर्ट भी इससे कर सकते हैं और मोल्ड में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये मैंने क्ले ले लिया, फिर से मैंने रब कर लिया इसको थोड़ा और, और ये छोटी सी बर्डी बनाते हैं हम। या बर्डी छोड़िए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है मुझे लग रहा है। तो ये मैंने बस ऐसे इस पे लगाया, प्रेस किया। अच्छा, एक चीज और है मोल्ड में, जब आप इस तरह से एक्स्ट्रा जो क्ले है उसको कैसे निकालते हैं, इसको बाहर की तरफ हम स्क्रेच करके निकालेंगे, अंदर को यहां से हम अंदर नहीं निकालेंगे, यहां से हम बाहर की तरफ करेंगे इस तरह से, यू बाहर की तरफ आप इसको हमेशा निकालेंगे क्ले को इस तरह। ये निकल गया और मैंने इसको अब आप इसको थोड़ा सा खींचेंगे। और इसको हम अब निकाल देंगे। ये मैंने निकाल दिया है, कैमरा बंद करना पड़ा क्योंकि दोनों हाथों की जरूरत थी, थोड़ा सा ट्रिक की जरूरत थी, तो मैंने इसलिए बंद कर दिया था। तो अब हम देखते हैं कैसे मैंने ये क्ले बनाया है। आप इसको किसी भी तरह यूज कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा क्ले है।
ट्रस्ट मी, आप ट्राई करके जरूर देखिए।